हेलो स्टूडेंट्स, अकोन इंस्टीट्यूट फॉर नर्सेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट एग्ज़ाम में आया हुआ है, मैंने लिखा है केरला पीएससी 2017 में नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने अटैम्प्ट किया है। आप सभी को सोचना है और आंसर देना है। चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव साइकेट्रिक कंडीशन इज डिप्रेशन, डेलीरियम, मेनिया, सीजोफ्रेनिया। 10 से 15 सेकंड है आपके पास, एलिमिनेटिव मेथड अपनाइएगा। जो भी आंसर नहीं लग रहा सबसे पहले उसे हटाइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना है जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि एक ओल्ड एग्जाम पेपर का क्वेश्चन हमें सॉल्व हो सके और उसका सही आंसर पता चले। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फास्ट, हरी अप, इजी क्वेश्चन है, ट्रिक पकड़नी है और आंसर लगाना है। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या है। चलिए शुरू करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में अगर एक चीज देखी है जो कि है पोस्ट ऑपरेटिव, तो डायरेक्टली यू कैन चूज योर आंसर। देखिए, आंसर हमेशा क्वेश्चन में छिपा होता है। अगर हम क्वेश्चन को दो बार ठीक से समझें और उसका मतलब क्या है वो समझें कि पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन है, उसके अंदर साइकेट्रिक इलनेस, क्या डिप्रेशन अक्यूटली अचानक से कि रात को बंदा सही था और सुबह डिप्रेशन हो गया, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, तो ये तो आंसर नहीं है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रात को बंदा ठीक था, मेनिया हो गया? नहीं। पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद कौन सी साइकेट्रिक इलनेस हो सकती है? सीजोफ्रेनिया? नहीं, इसके तो रिस्क फैक्टर अलग है, जेनेटिक फैक्टर, इंटरपर्सनल फैक्टर, सोशियो कल्चरल फैक्टर, विटामिन थ्योरी, ऑर्गेनिक थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी सीजोफ्रेनिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बट आंसर डेलीरियम क्यों गया, आइए देखिए। पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्गेनिक कारणों में आता है, ऑर्गेनिक कारण, ऑर्गेनिक कॉजेज, ऐसे कोई भी कॉजेज जैसे मेटाबॉलिक कॉजेज, टॉक्सिक, इन्फेक्शन, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन, सीजर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ऐसा कोई भी कारण हो जो सेल डिटेरियोरेट कर सकता है, ब्रेन की सेल्स को डिटेरियोरेट कर सकता है, वो सब ऑर्गेनिक कारणों में आता है। पोस्ट ऑपरेटिव के बाद आपने देखा होगा क्लाइंट एनेस्थेसिया से रिकवरी कर रहा होता है और उसमें उसे क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस मिलती है, क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस फील होती है। दोबारा बोल रहा हूँ, एनेस्थेसिया से रिकवरी करते समय अर्धचेतन अवस्था, क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस मिलती है। क्लाइंट हमारा ऑपरेशन करवा के आया है लेकिन वो हंस रहा है, उसे कोई दिखाई दे रहा है, वो बातें कर रहा है, वो बड़बड़ा रहा है, वो मुस्कुरा रहा है, उसे इल्यूजन और हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। एक ऐसी स्टेट जो ऑर्गेनिक डिजीज है या ऑर्गेनिक स्टेट है, जो क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ साथ इल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, मेमोरी, ओरिएंटेशन, इन सब लक्षणों से मिलकर बनती है, उसे कहते हैं डेलीरियम। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर ये वर्ड पोस्ट ऑपरेटिव आप फोकस करते हैं तो। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन है RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस 2017 का। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इंपल्सिव बिहेवियर इज ड्रिवन बाय, हमारा जो इंपल्सिव बिहेवियर होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है या किसके द्वारा ड्रिवन किया जाता है? इंपल्सिव बिहेवियर जैसे ही गुस्सा, वैसे इंपल्स में किसी भी चीज़ की इंपल्स आ सकती है। इंपल्स का मतलब होता है सडन एक्ट, वो चाहे खाना खाने की हो, वो चाहे नशा करने की हो, या फिल्मों में आपने देखा होगा कि एक्टर का झगड़ा हो जाता है और वो एकदम से इंपल्स में आता है, गाड़ी चलाता है और गाड़ी बहुत तेज चलाकर एक्सीडेंट कर देता है। कहने का मतलब, ये मैंने बात इसलिए बताई क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इंपल्स का मतलब एंगर समझते हैं। एंगर एक पार्ट हो सकता है इंपल्स का, पर इंपल्स एक ब्रॉडर टर्म है जिसका मतलब होता है सडन एक्ट। तो ये जो इंपल्सिव बिहेवियर है ये किसके द्वारा ड्रिवन किया जाता है? कॉन्साइंस, कॉन्साइंस का मतलब होता है हमारे अंतरात्मा की आवाज़। तो ये अंतरात्मा की आवाज़, जब इंपल्स आती है तो इंसान को खुद ही होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, तो अंतरात्मा की आवाज़ कैसे आंसर हो सकती है? और कुछ कुछ ऐसा ही आंसर सुपर ईगो है, क्योंकि सुपर ईगो मोर इंटेलेक्चुअलाइज लेवल पे जाके सोचता है, तो सुपर ईगो हमारा राइट और रॉन्ग जो फिनोमिना है वो ड्रिवन करता है। तो ये इंपल्स कैसे कंट्रोल करेगा सुपर ईगो, ये भी गलत आंसर हो गया। और इड और ईगो में से ईगो बैलेंस बना के रखने का काम करता है इड में और सुपर ईगो के अंदर। क्या बोला मैंने, ईगो वर्क करता है रियलिटी प्रिंसिपल पर, वास्तविकता के सिद्धांत पर। और जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि रियलिटी, और जबकि यहाँ इंपल्स है, इंसान को जब इंपल्स आती है क्या वो सोचता है कि सिचुएशन क्या बोल रही है इस समय, एनवायरनमेंट की डिमांड क्या बोल रही है? नहीं सोचता। तो ईगो भी इसका आंसर नहीं है। इड इज द राइट आंसर, जो कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, तुरंत इच्छा की पूर्ति चाहता है, और इड इंपल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करता है, या हम कह सकते हैं कि इंपल्सिव बिहेवियर इड की वजह से पैदा होता है। 6 सितंबर से अकोन इंस्टीट्यूट का न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ये बैच पूरी तरह से ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन बैच के रजिस्ट्रेशन के लिए आप आज ही संपर्क कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पर
जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। 6 मंथ का फुल कोर्स है जो आपको आने वाले नॉरसैट, ESIC, DSSB, रेलवे या DGHS जैसे बड़े एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए बनाया जा रहा है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं या कंफ्यूज हैं कि मुझे कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, तो आप एडवाइस के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड लक।